मैं अर्चना तोमर, हम लोग यहाँ पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो गोल्डन ग्लोरी मोशन पिक्चर्स, यहाँ हम लोग इकट्ठे हुए हैं आचर्स मिसेस इंडिया 2018 की अनाउंसमेंट के लिए। इस आचर्स मिसेस इंडिया का मीडिया लॉन्च हम लोग 11 फरवरी को मुंबई में करने वाले हैं। और आचर्स मिसेस इंडिया एक ब्यूटी पेजेंट है फॉर मैरिड वुमेन्स। और अभी आपका मैं परिचय कराती हूँ, वरुण का डॉक्टर वरुण कात्याल, मिस्टर तुषार धालीवाल, मनीषा गिदवानी, जागृति बहारी, जो सिटीज दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बड़ौदा, चंडीगढ़, लुधियाना, पटियाला, जम्मू, हैदराबाद, ऐसे रहेंगी, नागपुर, ऊना। इसका क्राइटेरिया, रजिस्ट्रेशन हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और आज तक हम लोग अभी तक 60 रजिस्ट्रेशन मिल चुके हैं हम लोगों को, और ऑडिशन हमारे 13 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। ये रजिस्ट्रेशन पेड है या फ्री है? नहीं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ्री है। टोटल कितने पार्टिसिपेंट रहेंगे इसमें? टोटल हमारे 40 पार्टिसिपेंट्स रहेंगे, जो हर सिटीज में हम लोग दो दो पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट करेंगे। इसमें किस एज के कैंडिडेट रहेंगे? हमारे पास दो सेगमेंट्स हैं, वन इज 22 to 34 एंड अनदर इज 35 to 50। अर्चना जी, ये जो आपका मिसेस इंडिया है, ये कॉमा है, पहले आपने पहले किया है या फर्स्ट है आपका? नहीं नहीं ये आचर्स मिसेस इंडिया ये सेकंड सीजन है। अच्छा, एक सीजन हम कर चुके हैं जी। देखते हैं, आम प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सरशिप होती है, स्पॉन्सरशिप स्टार्ट है अभी तो सर, अभी तो लॉन्च भी नहीं हुआ। जब आप एक बार करके गए हैं, जब आप नहीं, रजिस्ट्रेशन का ऐसा कोई फीस था आपका जो प्रोग्राम करेंगे, स्पॉन्सर भी नहीं है, रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं है, तो इकोनॉमी यहां सर वो स्पॉन्सर के लिए या अवेयरनेस के लिए, मार्केटिंग के लिए ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। इट्स द स्ट्रेटजी पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी। ओके ओके, हो गया। वेन्यू डिसाइड हो गया? वेन्यू पे बात चल रही है हमारी। वेन्यू हमारे हैदराबाद, पुणे और जयपुर में कहीं भी हो सकती है। ओके, हम लोगों ने गोल्डन मोशन पिक्चर्स के साथ टाई अप किया है, तो ये इसमें इनको अपनी जो अपकमिंग मूवी है उसके अंदर काम देंगे, और इस तरीके के इनके कुछ टीवीसी है, मूवीज हैं, अपीयरेंस हैं, इवेंट्स हैं, तो इस तरीके के कुछ इनके रहेंगे। एक तीर से दो शिकार है आपका? एक तीर से दो शिकार कैसे सर? एक तो खूबसूरती का ताज ही होता है, आज शायद मेरे अंदर भी एक चाहत होती है कि मैं कहीं ना कहीं टीवी पे देखूं, तो इन लोगों को भी प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। इसके पहले आपने कुछ बनाए हैं कि टीवी सीरियल? गोल्डन ग्लोरी मोशन पिक्चर ने अभी तक क्या क्या प्रोडक्ट अपने दिए? गोल्डन ग्लोरी मोशन पिक्चर्स ने इससे पहले फाइनेंस किया है मूवीज, को प्रोड्यूस करी है, लव डे मूवी आई थी, अभी रिसेंटली प्रोजेक्ट चल रहे हैं हम लोगों के, जैसे आम्रपाली हो गया और कोई ना कोई चाहिए, इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इंडिपेंडेंट अभी कुछ नहीं है इसका? अपने प्रोजेक्ट बाद में बोले वो। अच्छा, वो बाद वाले। ठीक है, कितनी पुरानी कंपनी है ये? सर पुरानी नहीं है, अभी रिसेंटली लॉन्च किया है हम लोगों ने। कितने दिन हो गए? ये ऑलमोस्ट 2 महीना हुआ है। ठीक, रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया आपका? हाँ जी, रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया। किस चीज़ का रजिस्ट्रेशन? कंपनी का आपके? सर तो अभी प्राइवेट लिमिटेड लग गया। अरे ठीक है, मैं और की बात कर रहा हूँ। हाँ जी सर, इम्पा में हो गया है हम लोगों का, सब जगह पर हो गया। बहुत सारी कंपनियां। ओके ओके, हाँ जी सर, इम्पा में हो चुका है, इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर एसोसिएशन। चलिए ओके, अर्चना जी बधाई हो आपको। थैंक यू।